हेलो गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक हम दोनों के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। या तो कोई लिंक वगैरह शेयर करना हो या तो कोई बात करनी है कर सकते हैं। हम दोनों वहीं से लिंक रिसीव करके उस पर रिएक्शन देते हैं। तो आते हैं इंट्रो पे। मैं हूं मुबशिर और मैं हूं वजाद। अब तू बता। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार, उससे पहले आप लोगों को बोलना था कि काफी लोग बोलते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हमारे, तो रिक्वेस्ट ये है कि मतलब जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, कर ऑल पे क्लिक कर कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मोस्टली लोगों ने नहीं किया होता तो नहीं उनको मिलते हैं। तो अब आते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ, वो है मलेशिया वर्सेस इंडिया कंट्री कंपैरिजन 2021। तो आज हम देखेंगे 2021 में मलेशिया और इंडिया का कंपैरिजन हुआ है। तो ये बहुत ही एक ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे वीडियो लग रही है। मलेशिया भी कम छोटा नहीं है वैसे। मलेशिया मतलब एक मतलब अच्छा डेवलप्ड कंट्री है। तो मतलब देखते हैं आप कैसा। तो काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी आज के इस कंट्री कंपैरिजन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मलेशिया कंट्री को इंडिया कंट्री के साथ। तो इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे, उन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मलेशिया का ऑफिशियल नेम मलेशिया है। एरिया 3,30,803 स्क्वायर किलोमीटर है। मलेशिया की पॉपुलेशन 32 मिलियन पीपल है और मलेशिया की नॉमिनल जीडीपी 387 बिलियन US डॉलर है। यार, इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। एरिया 32,10,000 square kilometers है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पीपल है और इंडिया की जीडीपी 3.15 trillion US डॉलर है। 10 गुना ही ज्यादा है वो भी। मलेशिया में फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टिव मोनार्की गवर्नमेंट है। मलेशिया के मोनार्क अब्दुल्ला अल हज हैं और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहियुद्दीन यासीन हैं। अच्छा, इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नमेंट है। इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, मलेशिया में इस्लाम 64% है, बुद्धिज्म 20%, क्रिश्चियनिटी 9% और 7% अदर रिलीजियंस हैं। लैंग्वेजेस में मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज माले है और माले लैंग्वेज मलेशिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंडिया के रिलीजियंस में इंडिया में हिंदुइज्म 80% है, इस्लाम 14% है और 6% अदर रिलीजियंस हैं। लैंग्वेजेस में इंडिया में हिंदी, उर्दू, गुजराती और बंगाली बोली जाती है। काफी बहुत है भाई नाम। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है। मलेशिया का लिटरेसी रेट 95% है और मलेशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 इयर्स है। बहुत हार्ड है यार इनका। कैपिटल न्यू दिल्ली है। इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है और इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स है। मैनेज करना कौन सा आसान है। लास्ट ईयर मलेशिया ने 210 बिलियन US डॉलर की टोटल इम्पोर्ट की, 275 बिलियन US डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की। मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स है। लास्ट ईयर इंडिया ने 604 बिलियन US डॉलर की टोटल इम्पोर्ट्स की, 513 बिलियन US डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की। यानी डबल। मलेशिया की मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स है। मलेशिया का डिफेंस बजट 4 बिलियन US डॉलर है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में मलेशियन मिलिट्री 44 नंबर पर है। मलेशियन मिलिट्री में 1,10,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, 48 बैटल टैंक्स हैं, 147 टोटल एयरक्राफ्ट हैं और 61 टोटल नेवल शिप्स हैं। इंडिया का डिफेंस बजट 73 बिलियन US डॉलर है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री 4th नंबर पर है। इंडियन मिलिट्री में 15 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, 2,119 बैटल टैंक्स हैं, 1,730 टोटल एयरक्राफ्ट हैं और 285 टोटल नेवल शिप्स हैं। तो यहीं तक थी आज की ये कंट्री कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल वीडियो को लिंक यार आपको तो मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग आउट फ्रॉम मिस्टर कामरान। तो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो तूने बोल दिया। चल ठीक है, चलता है। अच्छा, अब बात यार मुबशर, मलेशिया करीब करीब नहीं टिक रहा,
यार वो तो उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन वो दूसरे लिहाज से देखा जाए तो मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में उसके पास जो था वो सरप्लस है, मतलब सरप्लस मेन इम्पोर्टेंट चीज है। और इंडिया का भी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है लेकिन सरप्लस नहीं है, बीच में थोड़ा सा मतलब छोटा है ठीक है, लेकिन उसकी बोल करो उसकी फिर ज्यादा है इस मामले में, वो आगे था। और बकाया जो और पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए, लिटरेसी रेट के लिहाज से थोड़ा सा आगे था, क्योंकि इंडिया को लेकिन दाद देनी पड़ेगी इतनी बड़ी आबादी को, 1.4 बिलियन को 80% यार मतलब अभी कुछ ही टाइम हुआ है तो पहले तो नहीं था यार, अभी अभी इंडिया ने ये ज्यादा स्पीड पकड़ी है, पहले इंडिया में भी थोड़ा मतलब वो सिस्टम था कि मतलब पढ़ाई को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। अब देख 3% 3 करोड़ वहाँ के लोग हैं, तो 3 करोड़ में से 95% अगर है तो ठीक है मैनेज वो कर सकते हैं आराम से, मैंने 3 करोड़ मतलब 140 करोड़ लोग के दर तो फिर 3 करोड़ अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा उसके बाद दूसरी बात पॉपुलेशन, वो हर चीज में 10-10, 20-20 गुना ज्यादा था, और जो ग्राउंड आर्मी थी उसमें तो 15 गुना ज्यादा ले बैठा हुआ, 44वें नंबर पे था और वो चौथे मतलब 44 मतलब के तकरीबन 40 गुना नहीं यार इंडिया तो देखो वर्ल्ड की चौथी बड़ी पावर है माना जाता है ठीक है, तो मलेशिया के इधर नहीं बन सकता, बकाया और चीज मतलब 4 पावरों का नाम लिया जाता है तो चाइना और वो अमेरिका और रशिया और इंडिया, इंडिया ही मैं हाँ मुबशर वैसे पांचवा कभी नहीं नाम आया, तो टॉप फोर ही होते हैं ना मोस्टली हर जगह पे टॉप फोर होते हैं, और मतलब नाम कभी पांचवे का नहीं है कि पांचवे नंबर पे कौन ज्यादा स्ट्रांग है, नाम आता है बड़ी शक्तियों का तो इन्हीं का ही आता है। तो यार भाई मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा कि अभी इंडिया आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ठीक है, कुछ मामला में ये मलेशिया आगे, तो जाहिर बात छोटा कंट्री मैनेज इजीली ये चीजें होती हैं, क्यों मुबशर जितना एक बात है कि छोटा कंट्री उतना इजीली वो मैनेज होता है, बिल्कुल बड़े कंट्री और ज्यादा पॉपुलेशन मुश्किल से मैनेज होता है। आप दे ना इनकी हिम्मत है इंडिया में दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी फास्ट फूड, और यार मतलब हर लिहाज इंडिया में के अपने बेनिफिट्स हैं, मलेशिया के अपने बेनिफिट्स हैं, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। अब उनके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है यार, हाँ इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग, और वो मोनार्की सिस्टम जो तू पूछ रहा था ना, उधर एक किंग होता है लेकिन सारा हैंडल प्राइम मिनिस्टर करता है उधर भी। अच्छा सही सही सही, मतलब नाम का किंग होता है जिस तरह हाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया, हाँ वही कर ले मतलब, लेकिन मोनार्की सिस्टम का किंग है उधर, सही अच्छा अच्छा मतलब किंग है जिस तरह मोनार्की, बस उसको बोलते हैं कि कुर्सी पे बैठ टांग को टांग रखकर खा भी नहीं, लेकिन उसको कोई खिला भी नहीं सकता ना अगर वो चाहे तो। हाँ ये भी है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।